और रशिया यूक्रेन बैटल ग्राउंड से ये एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। महायुद्ध के बीच पुतिन को लेकर अब तक का सबसे हैरान करने वाला दावा किया गया है, और ये दावा किसी और का नहीं बल्कि पुतिन के पूर्व सहयोगी के हवाले से किया जा रहा है। बिल्कुल, पुतिन के पूर्व स्पीच राइटर के हवाले से यूरोप की मीडिया में यह दावा किया गया है कि पुतिन का एग्जिट प्लान तैयार हो चुका है। पुतिन अगर महायुद्ध में हारते हैं तो वो वेनेजुएला या फिर अर्जेंटीना में जाकर बस सकते हैं। ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जब पुतिन ने महायुद्ध में यूक्रेन के खिलाफ हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। इस दावे के पीछे की असल वजह क्या है, इस दावे में कितना है दम, ये भी समझना जरूरी है। आपको इस दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर समझ में आएगा कि पुतिन का दावा कितना सही है। एक महायुद्ध और इस महायुद्ध के दो मुख्य किरदार, पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। दोनों की दुश्मनी ने यूक्रेन के शहर दर शहर को खंडहर बना दिया। युद्ध के पहले दिन से लेकर अब तक रूस और यूक्रेन के हजारों सैनिक बेमौत मारे जा चुके हैं, लेकिन इस विध्वंस का अंत कब होगा? इस सवाल का जवाब न तो पुतिन के पास है और न ज़ेलेंस्की के पास। फिलहाल महायुद्ध के बीच पुतिन और ज़ेलेंस्की को लेकर जो नए दावे हो रहे हैं वो दुनिया को और हैरान कर रहे हैं। महायुद्ध में दावा नंबर एक, पुतिन युद्ध हारेंगे तो रूस छोड़ेंगे। महायुद्ध में दावा नंबर दो, पुतिन वेनेजुएला में शरण लेंगे। महायुद्ध में दावा नंबर तीन, रूस में पुतिन पर युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है। ये सारे दावे यूरोपीय मीडिया की ओर से किए जा रहे हैं और इन दावों के पीछे पुतिन के पूर्व स्पीच राइटर के बयान का हवाला दिया जा रहा है। पुतिन के पूर्व स्पीच राइटर के हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने दो देशों का ऑप्शन पहले ही बना लिया है ताकि वो रूस छोड़कर दो देशों में से किसी एक में बस सके। इनमें से पहला देश है वेनेजुएला और दूसरा देश है अर्जेंटीना। दोनों देशों के रूस से संबंध ठीक ठाक है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई पुतिन ने ऐसा कोई प्लान बनाया भी है या नहीं, क्योंकि युद्ध के बीच रूस छोड़ना तो दूर, पुतिन तो फिलहाल युद्ध खत्म करने के लिए दूर दूर तक नहीं सोच रहे हैं। पुतिन का सबसे ताजा बयान सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पुतिन के मन में फिलहाल क्या चल रहा है। сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто, нигде словом об этом не обманул. Путин के इस बयान के पीछे का मैसेज कितना loud and clear है, वो इन तस्वीरों से समझिए। क्रेमलिन में पुतिन अपने सैन्य अधिकारियों के बीच थे और मौका था अवार्ड सेरेमनी का। क्रेमलिन के चमचमाते हॉल में पुतिन ने पहले अपने सैन्य अधिकारियों के साथ तस्वीरें खिंचवाई और फिर शैंपेन के साथ जश्न मनाया, और जो कहा उसने महायुद्ध का भविष्य क्लियर कर दिया। нам только пошевелиться что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. अभी हफ्ता भी नहीं बीता है अमेरिका की उस ऑफर का जिसमें खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन के सामने युद्ध खत्म करने की शर्त रखी थी, लेकिन पुतिन ने बिना देर किए उस ऑफर पर लात मार दी। इसके बाद तो अब अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध कैसे खत्म कराया जाए। हम राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का समर्थन करते हैं, हम यूक्रेन के लोगों के साथ हैं, लेकिन ये हम लोग तय नहीं कर सकते कि युद्ध के अंत के लिए बातचीत का कौन सा मुद्दा होगा, ये सिर्फ यूक्रेन ही तय कर सकता है। यानी जिस अमेरिकी हथियार और बारूद के दम पर यूक्रेन रूस से लगातार लोहा लेता आ रहा है, उस अमेरिका को भी ये नहीं मालूम कि युद्ध खत्म कराने का कौन सा रास्ता हो सकता है।
अमेरिका के पास युद्ध लड़ाने के लिए हथियार तो है, लेकिन युद्ध खत्म कराने का फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं है। उधर पुतिन ने जो मंशा जाहिर की है उससे साफ हो गया है कि पुतिन न तो फिलहाल रुकने वाले हैं और न ही युद्ध से पीछे हटने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें पुतिन ने अपनी सेना को युद्ध को लेकर एक नया ऑर्डर जारी कर दिया है। पुतिन ने अपने नए ऑर्डर में युद्ध को जारी रखने की बात कही है, और यही नहीं पश्चिमी देशों को भी पुतिन ने खरी खोटी सुनाई है और ये कहा है कि शोर करने से जंग नहीं रुकेगी। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पुतिन ने क्या कहा है। पुतिन ने यह कहा है कि शोर करने से जंग नहीं रुकेगी। एक के बाद एक हमले, एक के बाद एक तबाही की तस्वीर। हर तरफ से उठता हुआ धुआं और बर्बादी के बेहिसाब निशान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और दुनिया युद्ध के खत्म होने की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन इसी बीच पुतिन ने अपने सैन्य अधिकारियों को जो नया ऑर्डर जारी किया है उसे सुनकर पूरी दुनिया परेशान हो गई है। तबाही लाएगा पुतिन का नया ऑर्डर। पुतिन के ऐलान से सहम गया यूक्रेन। युद्ध की शुरुआत रूस ने बड़े ही धमाकेदार तरीके से की थी। यूक्रेन रोज जल रहा था। हर वक्त यूक्रेन के अलग अलग शहर से तबाही की वो तस्वीर सामने आती थी जिसे देखकर हर कोई सिहर उठता था। और उसके बाद कीव में तो रूस ने तबाही की वो कहानी लिखी थी जिसने यूक्रेन को दहशत में डाल दिया था। सेना ने ईरान के ड्रोन शाहिद 136 के जरिए एक के बाद एक हमले किए थे। पूरे कीव की तस्वीर बदल कर रखती थी। कीव के कई अहम संस्थानों के साथ साथ बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से कीव अंधेरे में समा गया। लेकिन यूक्रेन ने हिम्मत नहीं हारी और महायुद्ध में ज़ेलेंस्की की सेना ने जोरदार वापसी की। इतना दम दिखाया कि पुतिन की पलटन को खेरसोन छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से एक पेशकश की गई थी। बाइडेन ने पुतिन के सामने युद्ध रोकने की शर्त पर बातचीत के दरवाजे खोलने का ऐलान किया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही रूस ने बाइडेन के ऑफर को ठुकरा दिया था। और अब पुतिन ने अपनी सेना को जो आदेश दिया है उसने यूक्रेन को टेंशन में डाल दिया है। नहीं थमेंगे यूक्रेन पर हमले। पुतिन ने अपने सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान पुतिन ने जो कहा उसे सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। никто нигде словом об этом не обмолвился вообще молчок полный стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ шум гам треск на всю вселенную это не будет нам мешать выполнять боевые задачи। पुतिन का ये बयान बताने के लिए काफी है कि युद्ध में जिस तरह से सब कुछ झोंक दिया गया, शहर दर शहर बर्बादी की दास्तान लिखी गई, उसका उनको अफसोस नहीं है। बल्कि पुतिन ने उल्टा ज़ेलेंस्की पर युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया। क्राइमिया पुल ब्लास्ट के जरिए यूक्रेन को घेरने की कोशिश की है, लेकिन ये बयान सिर्फ यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को निशाने पर लेने का संकेत नहीं देता, बल्कि अपने बयान से पुतिन शांति समझौता की हिमायत करने वाले रूस को आक्रमणकारी बताने वाले देशों को सख्त संदेश दे दिया। युद्ध की शुरुआत से ही रूस कई देशों के निशाने पर है, लेकिन जब रूस ने कीव पर हमला किया था और शहर का नक्शा बदल कर रख दिया था तो रूस के खिलाफ कई प्रतिबंधों का ऐलान
पश्चिमी देशों ने कर दिया था, अब रूस ने उन्हीं देशों पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा है कि क्राइमिया पुल ब्लास्ट किसने किया, रूस के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किसने किया, पानी की आपूर्ति बंद किसने की। पुतिन के ये तेवर बताने के लिए काफी है कि वो किसी भी कीमत पर युद्ध को रोकने को तैयार नहीं है, जब तक कि युद्ध के मैदान में यूक्रेन घुटने नहीं टेक देता और किसी भी तरह की शर्त के सामने वो झुकने को तैयार नहीं है। Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это... Путин к Стивер не сабсе зяда Юкрейн ко парешани ме дал дия, кюки зарур пасчими дешон ко лекар पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर है, लेकिन उसका परिणाम यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कई देश भी युद्ध से उब चुके हैं। जो अमेरिका यूक्रेन के पीछे दीवार बनकर खड़ा था, वो पुतिन के लिए बातचीत का रास्ता खोल चुका है। यही नहीं, पुतिन के इनकार के बाद भी अमेरिका ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, जो ये बताता है कि अमेरिका भी चाहता है कि युद्ध खत्म हो, लेकिन उसके पीछे कौन सी शर्त काम करेगी ये देखना होगा, क्योंकि रूस ने साफ कर दिया है कि पुतिन ने लिया प्राण, नहीं छोड़ेंगे राण। और रशिया यूक्रेन वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, रूस यूक्रेन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक रशिया की ओर से यूक्रेन पर किए जा रहे हैं। जंग में यूक्रेन ने भी रिटेलिएट किया है, पलटवार किया है, और पलटवार करते हुए आपको बता दें कई ऐसे सैन्य ठिकाने हैं रशिया के जो कि ध्वस्त कर दिया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम को किस तरीके से अटैक किया गया है, प्रोजेक्टाइल को वहां पर मार गिराया गया है, और ये पलटवार हुआ है जर्मनी के हथियार जेपर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके। बिल्कुल, इसका वीडियो भी जारी हुआ है, तो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं। रूस से यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जंग में यूक्रेन ने पलटवार किया है, और जब से युद्ध की शुरुआत हुई है तब से रूस भी पलटवार करता है, यूक्रेन भी पलटवार करता है, और ना तो रूस रुक रहा है ना यूक्रेन झुक रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, यूक्रेन की सेना ने रूसी प्रोजेक्टाइल को मार गिराया है, और यह पलटवार हुआ है जर्मनी के हथियार जेपर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार एक के बाद एक हमले होते हुए तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन बार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। पुतिन ने युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने के आरोपों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या है पुतिन का परमाणु प्लान? क्या दबने वाला है रेड बटन? परमाणु प्लान पर पुतिन का ऐलान। एक बार फिर से पुतिन ने परमाणु हथियार का जिक्र किया, रूस के बारूदी तहखाने में रखे परमाणु हथियारों की ताकत के बारे में बताया, जिससे फिर से सवाल उठने लगा है कि क्या युद्ध के मैदान में जीत के लिए परमाणु हथियार दागने से भी पुतिन परहेज नहीं करेंगे। ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि इससे पहले कई बार यूक्रेन आरोप लगा चुका है कि रूस कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, परमाणु हमले की तैयारी में रूस। पश्चिमी मीडिया ने कई बार इस बात को लेकर दावा किया कि जंग के मैदान में लगातार शिकस्त खा रहे पुतिन कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं, तो वह यूक्रेन की तरफ से भी दावा किया गया कि रूस बिना परमाणु हथियार से लैस बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। लेकिन यूक्रेन के एक दावे ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था, जिसमें कहा गया था कि पश्चिमी इलाके में परमाणु शक्ति से लैस मिसाइलों का इस्तेमाल रूस कर रहा है, और अब रूस के पूर्व राजनयिक ने परमाणु अटैक को लेकर बड़ा दावा किया है कि अगर इस युद्ध में रूस की हार हुई तो खामियाजा पुतिन को भुगतना पड़ेगा और सत्ता से वो बाहर हो सकते हैं। ऐसे में पुतिन युद्ध जीतने के लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्व राजनयिक का ये दावा हैरान करने वाला भी नहीं लगता, क्योंकि लगातार रूस पर परमाणु हमले की धमकी देने से लेकर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है। इन सब के बीच पुतिन के एक दावे से कई देश हैरान रह गए। И которые препятствуют поступлению этой воды. По поводу
насчет угрозы ядерной войны. Светлана Геннадьевна, ну вы правы. Такая угроза нарастает. Здесь чего греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый. Но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. अपने बयान के जरिए पुतिन ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जो लगातार पुतिन पर लगते रहे हैं कि वो युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके साथ ही रूस ने अपने बयान के जरिए अमेरिका को भी चेताया कि रूस के तहखाने में रखे परमाणु हथियार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो बहुत ज्यादा घातक है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने बार बार ये दावा किया कि पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह की खबरें तब ज्यादा आने लगी थी जब खेरसोन से रूस की सेना के पांव उखड़ने लगे थे। पुतिन की पलटन को अपने टैंक और हथियार छोड़कर खेरसोन से भागना पड़ा था। अपने बयान के जरिए पुतिन ये बताने से भी नहीं चूके कि वो खुद परमाणु हथियारों के निर्माण और विस्तार के खिलाफ है और रूस कभी भी अपनी तरफ से पहला परमाणु अटैक नहीं करेगा। Возможности применения. Нет, вот бывшая, не к вечеру будет помянута, значит, премьер-министр Великобритании. Она же прямо публично сказала, что она готова это сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи тоже акцентировать. Сразу же ее высказывание никто не заметил, а то, что мы говорим, сразу же выпячивается и... एक तरफ पुतिन पर परमाणु अटैक करने की योजना बनाने का आरोप लगा तो वहीं अब आगे आकर पुतिन ने साफ किया कि वो खुद परमाणु हथियारों को सीमित करने के फैसले का समर्थन करते हैं। लेकिन पुतिन के इस ताजा बयान को भी यूक्रेन और पश्चिमी देश सिर्फ एक दिखावे के तौर पर देख रहे हैं। पश्चिमी देशों का मानना है कि युद्ध के दौरान रूस पर कई प्रतिबंध लगे और अगर ऐसे में रूस के बारूदी तहखाने से परमाणु हथियार बाहर आए तो रूस को सख्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। लेकर पुतिन घबरा गए। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से श्रद्धा के पिता ने की मुलाकात। आरोपी आफताब को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग, साथ ही कुछ मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाने की भी मांग की। विकास वॉल्कर बोले, पीसी 18 साल के बाद जो व्यक्ति स्वतंत्रता दी जाती है उस पर विचार होना चाहिए, उस वजह से ही मुझे ज्यादा दिक्कत हुई है, कुछ मोबाइल ऐप की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। और श्रद्धा केस में सख्त से सजा की मांग की है श्रद्धा के पिता विकास वॉकर ने। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब की साकेत कोर्ट में हुई पेशी, 14 दिनों के लिए आफताब की न्यायिक हिरासत बढ़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 400 फीट गहरे बोरवेल में पिछले 4 दिनों से फंसा 8 साल का बच्चा, चट्टानों की वजह से रेस्क्यू करने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को हो रही परेशानी। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध खनन करने वालों को गिरफ्तारी करने गई पुलिस की टीम पर हुआ हमला, पुलिस कर्मियों पर लोगों ने किया पथराव। यूपी के ग्रेटर नोएडा में महिला डॉक्टर को कुछ लोगों ने पीटा, अपने इलाके में महिला फ्लैट के अवैध निर्माण का कर रही थी विरोध। बिहार के समस्तीपुर में एक छात्र ने लड़की के परिवार वालों ने छात्र से बदसलूकी की, लड़के का सर मुंडवाने के बाद पूरे गांव में घुमाया, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के देवघर में मरीज की मौत पर परिवार वालों ने जमकर किया हंगामा, डॉक्टर पर इलाज के दौरान लापरवाही का लगाया आरोप। यूपी के हाथरस में आशा वर्कर्स ने एडिशनल सीएमओ के ड्राइवर को मारा पीटा, मारपीट के बाद आशा वर्कर्स ने काम का बहिष्कार करके कार्रवाई की मांग की और नारेबाजी भी की। लखनऊ विश्वविद्यालय में मामूली बात पर छात्रों के दो गुटों में हुआ विवाद, दो आरोपी छात्रों को सस्पेंड किया गया। बिहार के कटिहार में पीट पीट कर महिला की हत्या, ससुराल वालों पर हत्याकार। वहीं यूपी के हरदोई में बुजुर्ग महिला से मारपीट करने का वीडियो आया सामने, महिला के रिश्तेदार पर पीटने का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में शादी के दौरान सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया जिसमें दो मासूम समेत 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख।
पटना के बाढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। गैस रिसाव की वजह से लगी आग कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के भागलपुर में भीषण आग में एक फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। गुजरात के राज्यपाल से मिले भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। कल पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। हिमाचल में जीत के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता का जताया आभार। आज दोपहर 3 बजे शिमला में होगी विधायक दल की बैठक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की आज सुनवाई चली। राउस एवेन्यू कोर्ट में 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से ऑस्ट्रेलिया से आए डेलीगेशन ने की मुलाकात। इस दौरान यूपी में निवेश को लेकर हुई चर्चा। देहरादून पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। राष्ट्रपति के लिए स्वागत के लिए खास व्यवस्था। और मध्य प्रदेश के डिंडौरी में अचानक से एक शराब की दुकान पर बीजेपी नेता उमा भारती पहुंच गई और अधिकारियों को जल्द से जल्द शराब की दुकान हटाने के निर्देश देते हुए चेतावनी भी दी। राजस्थान के सीकर में हुए राजू ठेहट हत्याकांड में पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। पुलिस को मिले जो वीडियो हैं उनमें हत्या वाली जगह से 100 मीटर दूर एक लड़का भागता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान के डूंगरपुर में बीजेपी पार्षद ने प्रशासन के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन जताया है। जर्जर स्कूल इमारत की मरम्मत न होने पर बीजेपी पार्षद ने अपना सिर ही मुंडवा लिया। वहीं यूपी के उन्नाव में जीएसटी टीम की छापेमारी। टेंट हाउस मालिक ने कराया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन। गाजियाबाद में 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी। बदमाश के कब्जे से अवैध असलाह बरामद। यूपी के सीतापुर में NH24 पर एक लड़के का स्टंट का वीडियो सामने आया। चलते ऑटो की छत पर बैठकर स्टंट करता दिखा लड़का। स्टंट का वीडियो वायरल। और वहीं राजस्थान में भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में एक लड़के ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कोशिश खुदकुशी उसने की और सुसाइड से पहले लिखी चिट्ठी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। वहीं बिहार के दानापुर में बारात में शामिल 2 भाइयों को गोली मारी गई जिसमें एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पंजाब के जालंधर में 30 लाख रुपए की फिरौती नहीं देने पर कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक गार्ड भी हुआ घायल। वारदात का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बिहार के छपरा में बेखौफ अपराधियों ने लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी है। बदमाश बाइक और मोबाइल लेकर फरार हो गया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूपी के कानपुर में ट्रक और लोडर के बीच हुई टक्कर। एक ही मौके पर मौत हो गई है जबकि 2 लोग को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था जहां पर उनकी मौत हो गई। दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। महाराष्ट्र के नासिक में हाईवे पर एक बेकाबू बस ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस में आग लग गई। मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और बिहार के जमुई में मोटरसाइकिल सवार को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी है। जोरदार टक्कर में 10 फीट दूर तक उछला है मोटरसाइकिल सवार। एक की मौके पर ही मौत। और वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 12 साल के बच्चे का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। नाबालिग से 14 लोगों ने 5 महीने में ठगी 30 लाख की रकम। यूपी के कासगंज में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक छात्रा से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। मोबाइल फोन छीनने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 1.5 महीने बाद अपने घर लौटी लड़की। संगीत सीख रही है लड़की अचानक अपना मोबाइल फोन छोड़कर हो गई थी लापता। पुलिस की कोशिश से घर जाने को हुई तैयार। यूपी के बांदा में कुत्तों ने एक बच्चे पर किया अटैक। बुरी तरह से घायल हुए बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं असम के गोलाघाट में हथियारों को आपको बता दें कि हाथियों को परेशान करने से के एक लड़की का मामला सामने आया है। ये लड़का हाथियों को परेशान कर रहा था जो कि उस पर ही भारी पड़ गया। डंडा मार रहे लड़के को हाथियों के झुंड ने खदेड़ दिया। और झारखंड के जामताड़ा में रिहायशी इलाके में घुसा हाथियों का झुंड। गांव में हाथियों ने कच्चे घरों को रौंदा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में चक्रवात आने से काफी नुकसान हो गया है। चक्रवात की वजह से तेज हवा और भारी बारिश हुई जिसमें समंदर किनारे खड़ी कई नाव बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तराखंड के चामोली में बद्रीनाथ धाम की तरफ जाने वाला बाईपास बनकर तैयार। बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को मिलेगी जाम से निजात।
बिहार के वैशाली में शादी के घर में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। और लखनऊ में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, झुलस कर लड़के की मौत। एलपीजी सिलेंडर में लीकेज से लगी थी आग, पुलिस घटना की कर रही है जांच। वहीं रूस के मॉस्को में एक मॉल में लगी भीषण आग, दूर तक उठती हुई नजर आई आग की लपटें। रूस यूक्रेन के बीच, पश्चिमी मीडिया ने रूस पर यूक्रेन के बारूद खाने पर हमला करने का लगाया आरोप, जिसमें दावा यह किया गया कि यूक्रेन की कई मिसाइल और हथियार हो गए हैं तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बारूद से भरी ट्रेन का वीडियो किया जारी, साथ ही दावा किया गया कि इस ट्रेन में रखे हथियारों और बारूद का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में होगा। पुतिन ने अपनी सेना को युद्ध जारी रखने के आदेश दिए, साथ ही पश्चिमी देशों को पुतिन ने खरी खोटी सुनाते हुए रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा न चलाने की चेतावनी दी है। और वहीं अफगानिस्तान में हत्या के दोषी पाए गए 27 लोगों को सरेआम सजा दी गई है। बीच बाजार महिला पर कोड़े बरसाए गए, एक दिन पहले ही तालिबान सरकार के आदेश पर एक दोषी को सरेआम फांसी भी दी गई थी। केस के मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। और इसी बीच श्रद्धा के पिता ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि आफताब पूनावाला ने जिस बेरहमी से उनकी बेटी की हत्या की, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। श्रद्धा के मुताबिक मारपीट के बावजूद श्रद्धा घर क्यों नहीं लौट रही थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 साल तक बेटी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्रद्धा बात नहीं कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ मोबाइल ऐप पर रोक और पाबंदी लगाने की भी मांग की है। तो यहाँ पर श्रद्धा के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सख्त सजा की मांग की है आफताब पूनावाला के लिए। ये भी उन्होंने बातें बताई कि 2 साल से वो श्रद्धा से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्रद्धा ने बात नहीं की। अब वो चाहते हैं कि आफताब को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी हाँ, और क्यों श्रद्धा ने बात नहीं की, इस बात की भी जांच की मांग उन्होंने उठाई है। तो श्रद्धा के पिता ने दावा यह किया है कि आफताब के पिता को सारी बातों के बारे में पता था, इसलिए आफताब के परिवार की भी जांच होनी चाहिए। उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। उस तरह इस मामले में जो भी कोई शामिल हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इन्होंने मुझे दिल्ली में मिलकर आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। वैसे ही अभी आने से पहले मैं श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनसे भी मिलके आया हूँ। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि आपको न्याय दिलाऊंगा। श्रद्धा के पिता ने दावा किया कि आफताब के पिता को सारी बातों के बारे में पता था, इसलिए आफताब के परिवार की भी जांच होनी चाहिए। उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। उस तरह इस मामले में जो भी कोई शामिल हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। आज साकेत कोर्ट में श्रद्धा कांड के आरोपी आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था।
तो आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पहले आपको बता दें कि 13 दिनों की न्यायिक हिरासत दी गई थी जो कि खत्म हो गई है और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में पेशी की गई थी। और इससे पहले अम्बेडकर हॉस्पिटल से ही साकेत कोर्ट में सुरक्षा के मद्देनजर पेशी कराई गई थी आफ्ताब की। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, दरअसल सुरक्षा कारणों की वजह से ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई और अब उसकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आफ्ताब, इससे पहले हमने देखा था कि आफ्ताब ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए थे और आज उसकी साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होती है जिसमें उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं श्रद्धा हत्याकांड की अनसुलझी पहेली, हत्या की थ्योरी। आफ्ताब ने जो थ्योरी बताई है वो हम आपको बताएंगे। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये खुलासे तमाम आफ्ताब की ओर से किए जाते रहे। हत्या की थ्योरी सामने आ रही है और ये बात खुद आफ्ताब ने बताई है। बिल्कुल, तो इसमें देखिए कि शव के 35 टुकड़े किए गए और अभी तक अगर हम देखें तो सिर्फ 20 टुकड़े यहां से बरामद किए गए हैं। तो जो थ्योरी आफ्ताब बता रहा है उस पे यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल भी है। बिल्कुल, और इस मामले में फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है, मानव अवशेष की हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए श्रद्धा हत्याकांड जो कि पहेली बना हुआ है, डीएनए टेस्ट की जो हड्डियां वहां पर बरामद हुई थी उसकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है तो इसका इंतजार करना होगा और इससे तस्वीर काफी हद तक साफ भी हो जाएगी। जी हाँ, लेकिन दावा यह किया जा रहा था कि फ्रिज में शव रखा गया था, फ्रिज में हालांकि खून के धब्बे बरामद नहीं हुए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये देखें कि श्रद्धा के कपड़े जो बरामद हुए हैं अब तक नहीं मिले हैं, ये भी एक है कि जो श्रद्धा के कपड़े थे वो कहां पर फेंके गए हैं तो ये देखना होगा। यहां पर एक एक करके हम आपको तमाम थ्योरियां बता रहे हैं। जी हाँ, श्रद्धा का फोन भी एक बड़ी पहेली बना हुआ था। दावा ये किया जा रहा था कि आफ्ताब ने अपना फोन कई दिनों तक श्रद्धा का फोन अपने पास रखा हुआ था जिसे कि अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। बिल्कुल, और श्रद्धा के अगर हम सिम कार्ड की बात करें तो अब तक सिम कार्ड भी नहीं मिला है, वो सिम कार्ड कहां गया है ये भी एक पहेली बना हुआ है। लेकिन शव, जसप्रीत, लगातार दावा ये किया जा रहा था और आफ्ताब ने ये बात पुलिस के सामने कबूल की थी कि जो मैदान गढ़ी का तालाब है वहां पर उसने शव की जो खोपड़ी थी उसको फेंका था, लेकिन तालाब को पूरा खाली कराया गया लेकिन वहां पर भी कुछ अता पता खोपड़ी का नहीं चल पाया। बिल्कुल, नार्को टेस्ट और ये कोर्ट की इजाजत पर नार्को टेस्ट जिसमें कई तरह की चीजें निकल करके सामने आई है और काफी हद तक तस्वीर भी अंकिता साफ होती हुई नजर आई। बिल्कुल, तो आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा के जिंदा होने की खबर मिली है। जी हाँ, खुफिया दस्तावेजों के हवाले से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आतंकी संगठन बब्बर खालसा के रिंदा के जिंदा होने का बड़ा दावा किया गया है और जानकारी यह मिली है कि रिंदा ने जानबूझकर अपने मरने की अफवाह फैलाई थी ताकि भारतीय एजेंसियों का ध्यान उस पर से हट जाए। नवंबर के आखिरी सप्ताह में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के कमांडरों के बीच ये बैठक हुई थी और इस बैठक में रिंदा का मामला भी उठाया गया था। तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के कमांडर ने कहा कि रिंदा अपने निजी लाभ और निजी दुश्मनी निकालने के लिए बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई का नाम ले रहा है। बब्बर खालसा की ओर से ये कहा गया है कि रिंदा को आईएसआई का समर्थन भी मिला हुआ है। और देखिए, पाकिस्तान में हरविंदर सिंह रिंदा लगातार अपनी पैठ बनाए हुए था और बॉर्डर पर ही लगातार अगर बात की जाए तो नारकोटिक्स और हथियार सप्लाई करता रहा है। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी माना यह जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन आतंकी रिंदा से निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन अब बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि जानबूझकर उसने अपने मरने की अफवाह फैलाई थी। अब से थोड़े दिनों पहले आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के मारे जाने की खबर सामने आ रही थी। न्यूज 18 के ओपी तिवारी ने ये बड़ी अपडेट दी है कि रिंदा ने मरने का सिर्फ नाटक किया था। रिंदा को आईएसआई का, आपको बता दें, समर्थन भी प्राप्त है। बिल्कुल, तो आतंकी रिंदा के जिंदा होने का दावा किया गया है और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आतंकी संगठन बब्बर खालसा ने ये दावा किया है कि जानबूझकर मरने की अफवाह फैलाई गई थी। और क्या मकसद हो सकते हैं, इसमें कितने लोग और इन्वॉल्व हैं ये भी अभी जांच का विषय है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है ये चौंकाने वाली है कि खुद एक आतंकी अपने मरने की अफवाह फैलाता है और वो ऐसा क्यों करता है ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी ओपी तिवारी की ये खबर, और इससे पहले भी हमने देखा था कि कुछ संगठन ऐसे थे जो रिंदा के बारे में बोल रहे थे कि ये बातें सही नहीं है, ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन अब आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है और ये बड़ा दावा किया गया है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि रिंदा आखिर अपने मौत की खबर क्यों फैलाएगा, क्या पाकिस्तान की कोई मंशा तो नहीं है, क्योंकि पड़ोसी देश आतंकिस्तान पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि हरविंदर सिंह रिंदा मौजूद है और वहीं से अपना पूरा नेक्सस ऑपरेट करता है और वहीं से चाहे आतंकवाद की कोई घटना हो या फिर गैंगस्टर्स को ऑपरेट करना हो, गैंगस्टर्स को अपने निशाने पर रखकर
भारत में कोई, हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देना हो वहां पर किया करता था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान की जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो उन पर नजर बनाए हुए थी और उन्हीं को भटकाने के लिए क्या इस तरह से अफवाह फैलाई गई रिंदा की ओर से। लेकिन हमारे सहयोगी लगातार ओपी तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं और उन्होंने ही ये बड़ी अपडेट हम तक पहुंचाई है। ओपी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये खुलासा आखिर हुआ कैसे है, ये आतंकवादी अभी जिंदा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का जो स्वयंभू चीफ है वधावा सिंह बब्बर, उसने खुद ही एक बैठक ली थी और इस बैठक के दौरान उसके कमांडर्स ने, उसका जो लंदन में मौजूद कमांडर था, उसने रिंदा का मामला उठाया था। उसने कहा कि रिंदा जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे बब्बर खालसा इंटरनेशनल का नाम बदनाम हो रहा है, चूंकि वो अपनी व्यक्तिगत खुंदक और अपने निजी काम करवाने के लिए ISI और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का नाम ले रहा है, लिहाजा उसके नाम, वो जिस तरह का जो नाम झूठ मूठ का प्रचारित कर रहा है अपने व्यक्तिगत कामों के लिए, इस बात को लेकर ISI से बात की जानी चाहिए और रिंदा पर लगाम लगाई जानी चाहिए। इस बैठक में सूत्रों का कहना है दस्तावेज के कि वाधवा सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ISI से आने वाले सप्ताह में इस बारे में बात की जाएगी कि वो रिंदा पर लगाम कसे और उसे स्पष्ट निर्देश दे कि वो इस तरह की हरकतें ना करे जिससे कि ISI का और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का नाम बदनाम हो, क्योंकि ये वो काम आतंकवाद के लिए करें ना कि पर्सनल दुश्मनी के लिए। जी ओपी, ISI एक बार फिर से बेनकाब हुई है कि पंजाब आतंकवाद के पीछे उसका पूरा हाथ है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ISI बुरी तरह से बेनकाब हुई है, क्योंकि इसके पहले भी ISI ने 26/11 का जो एक आतंकवादी था उसको बता दिया था कि वो मर चुका है, लेकिन जब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उसकी बाबत जांच की तो FATF की मीटिंग में बताया गया कि वो शख्स जिंदा है। उसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उस शख्स को गिरफ्तार किया और आज डेट में पाकिस्तान की जेल में है। इस तरह से मरने का नाटक इसलिए किया जाता है जिससे कि जो उसके ऊपर केस भारत में चल रहे हैं उनमें एक तरह से उसे क्लीन चिट दिलाई जा सके, साथ ही वो बदले नाम से या छदम नाम से किसी और पहचान से भारत में अपने आतंकी कार्रवाइयों को लगातार जारी रख सके, और ISI की पुरानी चाल है। बिल्कुल, हमने समय समय पर ओपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के रंग देखे हैं, लेकिन रिंदा को लेकर अब खुफिया जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा खुफिया एजेंसियां, वो क्या कह रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं रिंदा को लेकर ताज़ा अपडेट यह है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक अपनी चिट्ठी भेजी है और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि रिंदा को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए, साथ ही जो भारत में UAPA के तहत जो चेंज किया गया है उसके तहत भी उसको व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित किया जाए, और ये चिट्ठी अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास पहुंच चुकी है और इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की मोहर लगने के बाद रिंदा को भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तुम्हारे सहयोगी ओपी तिवारी की बड़ी खबर है जिसमें बड़ा दावा किया गया है कि रिंदा अभी जिंदा है, और सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल करके सामने आई है कि रिंदा ने अपनी मौत की खबर खुद फैलाई थी। ओपी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और आपको बड़ी अपडेट रिकॉर्ड दे दें, केंद्रीय मंत्री और गुजरात BJP के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की है। भूपेंद्र यादव ने गुजरात में BJP की ऐतिहासिक जीत के लिए PM मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को बड़ी वजह बताया। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र जी, गुजरात में अभूतपूर्व सफलता मिली है, PM हमेशा की तरह मैन ऑफ द मैच वहां रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी याद है योजनाओं का लाभ पहुंचना, प्रधानमंत्री ने सफलतापूर्वक जनता तक पहुंचाया इसको आप लोगों ने? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में गरीब कल्याणकारी योजना जो है उनको बहुत सफलता के साथ लागू किया गया है। गुजरात में जो ग्रामीण इलाकों में जीत मिली है उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है? बहुत बड़ा कारण है, गुजरात में एक लंबे समय से सबका साथ सबका विकास को लेकर के 27 साल से जिस सरकार ने काम किया है, जो उससे पहले की जो PDI इस चीज़ को भूल भी चुकी थी, लेकिन शासन की सकारात्मक अनुभूति को लेकर के लोगों ने वापस से 27 साल बाद BJP को चुना है। क्या इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा संसद में, जो ऐसे मुद्दे इस पर चर्चा होगी? संसद पे चर्चा होनी चाहिए मेरा तो ये मानना है, और मेरा भी ये मानना है कि विपक्ष गवर्नेंस के मुद्दों से भागता है क्योंकि वो गवर्नेंस पे कभी डिलीवरी नहीं दे पाते। एंटी इनकम्बेंसी आती ही इसलिए है कि कई बार गवर्नेंस के मुद्दों पर विपक्ष जो है वो कतराने का काम करता है, और हमारे को लगता है 27 साल बाद गुजरात में भाजपा वापस आई है तो गवर्नेंस और प्रो गवर्नेंस जो वोट है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका करता है। धन्यवाद। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।